अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट स्पंज केक, जो कि नहायत ही सॉफ्ट बनेगा। तो मेरी रेसिपी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चॉकलेट स्पंज केक रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 4 अंडों की सफ़ेदी डाली है। अब हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। ये देखिए, हमारे एग वाइट्स जो हैं वो बड़े अच्छे से बीट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और बीट करते रहेंगे। अब हम इसमें जर्दी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस जाएगा। अब हम इसे फिर अच्छे से बीट करेंगे। 1 कप इसमें मैदा ऐड करूंगी मैं, ये मैंने छान लिया था पहले से ही। 1/4 कप इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब इसको हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं वो बड़े अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये मैंने 1/4 कप दूध लिया है, इसको थोड़ा थोड़ा डालूंगी और मिक्स कर रही। ये देखिए, हमारा केक का बैटर जो है वो रेडी है बिल्कुल। ये मैंने सॉस पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ग्रीस करेंगे पहले। अब मैं इसमें बटर पेपर रख रही हूँ। हमारा सॉस पैन जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें अपना केक का बैटर ऐड करते हैं। ये बैटर हमने अपने पैन में डाल दिया है, अब हम इसे बेक करने के लिए रखते हैं। मैंने एक तवा लिया है, उसको मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट किया पहले, और अब उसके ऊपर हमने ये अपना केक का बैटर रखा है। अब आप इसको 40 से 45 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखेंगे, मीडियम से लो फ्लेम पर। चलिए, अब हम अपना केक चेक करते हैं। तो ये बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब हमारा केक डन है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखते हैं। और ये देखिए, हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट स्पंज केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।